सुशांत ठाकुर। दोस्तों हम लोग बिजनेस करते हैं तो थोड़ा बहुत इशू हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। सबके अपने अपने इंटरेस्ट रहते हैं, हर कोई अपना फ़ायदा चाहता है। कस्टमर कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेता है, तो उसको कैसे अपन रिजॉल्व करें, कोई इशू आ जाए ऐसी। तो सबसे पहले मतलब, क्योंकि गुस्सा उस्सा करके तो कुछ फ़ायदा नहीं, अपना नुकसान है। धंधा अगर आप कर रहे हो और गुस्सा है तो फिर आपको बहुत मुश्किल झेलनी पड़ेगी। गुस्सा तो रखो ही मत, कोई गलत भी है तो भी अपने को ही ठीक करना है, क्योंकि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, उससे मतलब नहीं है। तो कैसे हम लोग रिजॉल्व करें? सबसे पहले स्टे काम एंड कंपोज, एकदम अपने काबू में रहने का, बेकाबू नहीं हो जाने का एकदम। हाँ कुछ भी एकदम मार धाड़ एकदम वैसा नहीं, एकदम ओके। समझो मेरे को कोई गुस्सा होके आ गया एकदम से, एकदम हाँफ रहा है, आग बबला हो रहा है, और तो वो देखा तो मैं कुछ नहीं, मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है, कुछ हुआ है नो प्रॉब्लम, सोल्यूशन मिलेगा, जस्ट प्लीज़ प्लीज़ बैठिए, एंड पानी भी नहीं पूछता हूँ। पर वो तो भड़का हुआ आदमी। तो पहला काम है अपन सुनने का, ध्यान से लिसन अटेंटिवली, कुछ भी हो गया अच्छा क्या, जबकि मेरे लिए सही गलत जजमेंटल नहीं होना वहाँ पे। तुरंत उसके बेसिस पे डिसीजन ले लिया, जो बोला आगे वाले पे फायरिंग, वो तो मतलब नहीं है। आपको सुन के लेना है बस। 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर कोई उसको ध्यान से सुने। उसका मकसद भी यही रहता है कि कोई सुन के ले, वो भड़का हुआ है तो मतलब नहीं। मैं अपनी एक स्टोरी शेयर करता हूँ। मेरे गाड़ी मैंने ली थी, उसको सर्विसिंग के लिए दिया, 10,000 किलोमीटर हो गए दिया। वो जो काम करने दिया वो काम की जगह उल्टा काम हो गया, उसमें और प्रॉब्लम बढ़ गई। मेरे को अपडेट मारना था वो इन्फोटेन, बाकी गाड़ी में क्या ही दिक्कत आएगा 10,000 किलोमीटर में। तो उसको कुछ अपडेट आया रहेगा उसका कनेक्टिविटी को लेके, तो मैं बोला वो कर देना। वो करने गया, वो पूरा गायब ही कर दिया, वो चल ही नहीं रहा है भाई। अब मैं गया तो मुझे लगा कि ये क्या है, एक वापस से लाएंगे कर देंगे, बट अब क्या प्रॉब्लम आ गई भगवान, गॉड नोज, लाइक वो ठीक ही नहीं हो रहा। अब मेरे को बिठा दिया आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, मेरा तो दिमाग सटक गया, सटक गया तो भड़क गया। बट वो बंदे ने मेरे को कितना मस्त, जैसे मैं भड़का, मेरे को एक ही था कि पालू में क्या मैंने कल दिया, मेरा अच्छा गाड़ी था, उल्टा उल्टा इसको ख़राब कर दिया है, क्या है, मैं तुम लोगों का ऐसा करूँगा, ये कोई तरीका नहीं रहता, परेशान हो रहा हूँ मैं, 4 घंटे से बैठा है, कोई देख नहीं रहा है, सब इधर उधर घूम रहे हैं, सब बहुत था बोलने को। उनका जो सीनियर आया उसने कुछ ही नहीं, नो प्रॉब्लम सर आपको हो जाएगा, मैं वो मैच्योर्ड आदमी, और उसने खाली सुन के लिया, मेरी भड़ास निकल गई, मेरे को अच्छा लगा। पर अगर वो बोलता कि क्या है, किसने ऐसा हुआ, कौन है, उसको बुला, उसको मेरे सामने डांटता और धिंगाना करता, मतलब नहीं है। उसने मेरा पूरा बात सुना और बोला कि ये, और उसने फिर जाके सीरियसली चेक किया कि क्या इश्यू है, बोला ऐसा ऐसा है, मुझे ये एक अलग लेवल से बात करना पड़ेगा, ऐसा होता नहीं है एक आपके गाड़ी में। ऑनेस्टली फिर उसको हैंडल करने का, बोल बच्चन ऐसा ऊपर ऊपर का डाल के कि चलो इसको ऐसे ही कलटा देता हूँ, वो गलत हो जाएगा, फिर आप फंसोगे। तो उसने उसको सुना, समझा, गया चेक किया, और मेरे को एक दिन उसको लग रहा है उसके लिए 2 दिन मांगा, बोला कि कल तक हो जाएगा, नहीं हुआ तो हम आपको नया बिठा के देंगे। खुद उसने बोल दिया, तो मैं खुश होना है, ये सुन के कोई भी खुश होगा, उसको मानता हो ही जाएगा, नया बिठाने की बात नहीं आएगी। बट इसलिए मैंने बोला ठीक है ना, 2 दिन लो, मेरा काम पक्का हो जाए बस ये। प्लस उसने उसके लिए बोला कि फिर भी आपको गाड़ी लग रही है, मैं गाड़ी भेजूँ छोड़ने को। मैंने बोला मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, मैं गुस्से में ही था वो टाइम पे, मैं कैब कर लूँगा जाऊँगा, पर ये देखो ऐसा वैसा। उसने बोला आपको अगर कोई काम पड़े मैं मेरी गाड़ी आपको देता हूँ, 2 दिन रख लो। हेलो खलास, काम ही हो गया। जो आदमी एकदम तपा हुआ था, मैं ये करूँगा वो करूँगा, उसको उसने एकदम ठंडा गिरा दिया, ये रहता है। तो पहले क्या, उसने सुन के लिया। हमको भी क्या करना है, सुन के लेना है। और सुनना मतलब खाली उसका मुंह देखते रहना या मोबाइल में, या अपना ध्यान किधर है वो नहीं रहता कि हाँ बाबा बोल तू, मैं चालू अपना, हाँ बोलो बोलो क्या बोलना है बोलो, ये नहीं है। मैं एकदम लाइक गिव ऑल योर अटेंशन जब वो बोल रहा है, कि इसको लगे कि हाँ इसको फर्क गिरा है मैं जो बोल रहा हूँ सब। फिर क्या है, उसके जगह पे रह के देखने का, नहीं तो आपको नहीं समझेगा उसका पेन क्या है। हम लोग ना बहुत
अपने में ही रहते हैं, अपनी दुनिया के बाहर नाक के आगे क्या है वो नहीं समझ में आता। उसने समझ के लिया कि आदमी कहाँ जा रहा था, ये लेके आया, इसकी अच्छी गाड़ी थी, इसने दिया इसको, क्योंकि मेरा सीरियस प्रॉब्लम था, मेरे को यार बारिश का टाइम है, दो दिन गाड़ी नहीं रहेगी, और मेरे को बाहर एक जगह जाना था, मेरे यू नो रिलेटिव आए थे और वही टाइम पे ये सब होना था नौटंकी, तो मतलब मैं तो खपा था, इस वजह से मैं इतना गुस्सा था। तो उसने मेरे को सुन के लिया, प्लस मेरे जगह पे रह के देखा कि क्या प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं कि अरे आया था ठीक है कर देंगे, ख़राब हो गया तो आपको बोल रहे हैं ना, ऐसा भी बोल सकता था वो, नहीं तो जो करना है कर लो बोल देता। फिर मैं क्या करना था, 10 नाम खराब करना था, धंधा उसका जाएगा ना, कस्टमर किंग है भाई, कस्टमर इज ऑलवेज। तो उसने सुना और मेरे तो उसके जगह पे रख के देखा, सेकेंड पॉइंट। थर्ड क्या है कि फिर उसका कोई सॉल्यूशन ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि क्या निकल सकता है। जैसे उसने सॉल्यूशन निकाला, या तो इसको ठीक करेंगे, सीनियर लेवल पे बात करेंगे, नहीं तो इसका रिप्लेसमेंट देंगे, जब तक आपको गाड़ी चाहिए तब तक मेरी दूसरी गाड़ी देता हूँ, आपको अभी कुछ छोड़ के आना है तो बोलो, ऐसा कुछ। उसके सॉल्यूशन पे भी अपने को काम करना पड़ेगा, खाली मुँह से अच्छा बोल के ही सोचोगे हो जाए तो नहीं, वो करना पड़ेगा। और क्या, ऐसी जो भी गलतियां करते हो, मेरी स्पेशली आदत है जब भी कुछ लफड़ा झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, आई विल मेक इंश्योर कि ये फ्यूचर में बार बार रिपीट ना हो, किसने गलती किया क्या था ये वापस, तो उसको फिक्स करने के लिए नेक्स्ट टाइम मैं कुछ ना कुछ सिस्टम डालता हूँ वहाँ पे कि भाई ऐसा है, ऐसा हो गया तो ये करने का, ऐसे इन्फॉर्म करो, ये करो, बताओ टाइम से, या टाइम से नहीं बताएंगे तो ये बढ़ जाता है बहुत, जख्म का इलाज नहीं किया, ऑपरेशन की नौबत आ गई तो वो हो जाता है, तो उसको दबाने की जगह रिपोर्टिंग का सिस्टम बना दो, तो ऐसे कर देने का। फिर भी ऐसा झगड़ा हो रहा है तो पुरानी नई बातें ऐसा कॉन्फ्लिक्ट में नहीं निकालने का, अरे तुम्हारा हमेशा का नाटक है, पहले भी आए थे कंप्लेन करते रहते ये वो, आप फिर वो जो छोटी सी बात थी उसको पूरा जूम करके एम्प्लीफाई करके सरदर्द बढ़ा दिया। स्टे ऑन टॉपिक, अभी का क्या हुआ, ये गाड़ी का इतना, अब गाड़ी की बात हुई अभी याद है इसलिए गाड़ी गाड़ी बोल रहा हूँ, या कुछ भी पकड़ लो, इस पे ही ध्यान रखो, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, लास्ट टाइम भी दिया तो तुम्हारा काम ऐसा ही था, ये था वो था, फिर और बढ़ रहा है, फिर वो दो बोलेगा मैं दो बोलूँगा, मतलब नहीं, दोनों का बीपी आई और परेशानी, ठीक है। बी स्पेसिफिक, तो यूज़ आई मतलब नॉर्मल कॉन्सेप्ट में क्या करने का कि देखो नॉर्मली मैं ऐसे बोलता हूँ कि सर आपकी जगह रहता तो फील फाउंड फेल्ट वाला फार्मूला है, मेरे को भी गुस्सा आना था, कोई भी आदमी गुस्सा करेगा, आपका नुकसान हो गया, आप इतना इंतज़ार कराया आपको, आपका ऐसा हो गया, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, पहला होना चाहिए कि भाई मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या है। फिर मैं ज़्यादा करके एक ऐसी स्टोरी बता के ऐसे कोई चीज़ को सॉल्व करता हूँ, समझो मेरा रियल एस्टेट का काम है, कुछ हो गया तो बोला कि देखो मेरे साथ भी एक बार ऐसा हो गया था, फिर मैं सोचा कि अभी गुस्सा करके क्या फ़ायदा, मैं नॉर्मली ऐसा करता हूँ कि अभी ये चीज़ तो हो गई है, इसको अपन कैसे वर्स्ट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बेटर कर सकते हैं, अभी यही चॉइस है, नहीं तो अभी इसको डील को कैंसिल कर देंगे, ऐसा हो जाएगा तो आपने भी इतनी मेहनत की, आपका भी पैसा देखो, तो थोड़ा ठंडे दिमाग से, तो उसको मैं ऐसा एकदम एडवाइस दूँ, सलाहकार दूँ उसकी जगह पे, देखो कि अभी हो गया अभी, लेकिन मेरे साथ ऐसा सिचुएशन हुआ था ना, मैंने कैसे किया, मैंने सोचा कि अभी हो ना हो गया, अभी दोनों का नुकसान होगा, ये है, फिर समझदारी से ये किया, यही कर सकते हैं, तो ऐसे करके थोड़ा सा बोलना है उसको, ऐसे करके आप ठीक कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो जो भी एग्री हो गए प्लान, यू नो एक बना दिया, फिर प्लान पे एग्री हो गए, उसका फॉलोअप भी ले लो, जैसे कि मैं अभी कोई काम था बोल दिया कि ठीक है, मेरे बंदे ने गलती की होगी ना, मेरे से डायरेक्ट तो हुआ नहीं था, तो मैं बंदे को बोलूँगा कि ठीक है, और फिर इनका ऐसे है, ये कर वो कर, उसके बाद मैं उसका फॉलोअप लेना चाहिए कि वो क्लाइंट का हो गया क्या, उसको अपन ने प्रॉमिस किया था कहाँ तक पहुँचा, थोड़ा सा वो टाइम पे ना उसको ऐसे करो कि उसको फिक्स करो। तो ये कुछ टिप्स थे, धंधे में अगर आप काम लाओगे तो आपका फ़ायदा होगा कि बहुत हमारा लॉस हो जाता है, ऐसे देखेंगे मैं मेरे धंधे में मैं और ना कुछ नहीं तो भी 20% बढ़ा सकता था शुरू में, अगर मेरे को ये चीज़ समझ में आ जाती, इसमें राइट रॉन्ग का नहीं रहता, इट्स यू नो सम फाइंड सम बेटर वे, ऐसा नहीं कि तुम गलत वो सही, वो सही मैं गलत, यू नो हो जाता है यार, जब काम करेंगे तो कोई ना कोई हो जाता है, हर चीज़ कंट्रोल में नहीं है अपने, कुछ चीज़ें रहती है जो हो जाती है, कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, बैंक इन्वॉल्व है, लॉयर इन्वॉल्व है, दुनिया तो ये।
फिर भी नहीं होता है, कुछ बहुत आगे की बात आती है, तो भाई प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो, एट कोर्ट कचहरी लॉयर, वो फिर बहुत बढ़ने वाला काम रहता है, उसमें सलटाने की कोशिश करो, नहीं तो फिर फाइनल है तो फिर वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो ऐसा शुरू से एंड तक हेल्प कर सकते हैं। पूरे प्रोसेस में कोशिश करो खुद का आपा नहीं खोने का, एंड स्टे पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होने का कोई चीज़ को। मैं कितना भी कोई गर्म हो जाए, झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं एक ही सोचता हूँ कि इसमें पॉजिटिव क्या है। किसी ने मेरे को कुछ बोल भी दिया उल्टा सुलटा, तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है यार, मेरे को मेरा भला होगा, मैं और इम्प्रूव करूँगा, उसको मन पे नहीं लेता एकदम दिल पे, ठीक है यार, अगर यू नो, और गलती है तो सॉरी बोलने का कोई इसमें, अपन बहुत लो नहीं हो जाते। आपको मैं बताऊँ, तीन तरह के लोग होते हैं जो सक्सेसफुल लोग हैं, एक मिडिल क्लास है, एक लोअर क्लास है। जो लोअर क्लास है वो गलती करेगा और माफ़ी भी नहीं मांगेगा, अकड़ेगा भी, वो गाड़ी भी आपकी ठोकेगा पीछे से और ऊपर से आपको ही ब्लेम करेगा। एक है जो मिडिल क्लास है, गलती करेगा और सॉरी बोल देगा। और जो अपर क्लास है वो क्या करेगा, सामने वाले की गलती है फिर भी माफ़ी मांग लेगा कि इसमें नहीं पड़ना है, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है, अपने को बहुत ज़िंदगी में करना है, क्या छोटा बड़ा ईगो हटाओ, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखोगे बहुत आगे जाओगे धंधे में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ट्रेनिंग के लिए मेरा वेबसाइट है sanatthakur.com, वहाँ पे कोर्सेस हैं ऐसे लो, जहाँ पे डिटेल में आपको एकदम कम्युनिकेशन स्किल का A to Z मिल जाएगा, नेगोशिएशन स्किल, सेलिंग स्किल, तो उसका फ़ायदा लो। सनत ऐप भी आ गया है मोबाइल पे, एंड्रॉयड हो iOS हो, उसका फ़ायदा लो। ये तो खाली आपको ट्रेलर है, रियल चीज़ वहाँ पर मिलेगी। ठीक है, बाय।